हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपने देखा होगा कि जब आप एडसेंस लोडिंग का वर्क करा रहे हैं, अगर अपनी वेबसाइट पे एडसेंस लोडिंग या एडसेंस आर्बिट्रेज, तो आप जब चेक करते हैं हुअर डॉट नेट पे कि जो आपकी जो सिक्योरिटी लेवल है कितना है, तो उसमें कई बार दिखाता है एनोनिमाइजर यस, ठीक है, या आपका जो उसमें जो स्कोर आता है वो 80, 70 या 90% आता है। तो वो हम किस तरह से 100% कर सकते हैं, साथ ही साथ किस तरह से आपको जो एनोनिमाइजर है वो आपको नो करना है, तो हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप जानेंगे, ताकि जो आप एडसेंस लोडिंग का वर्क करा रहे हैं वो 100% उसमें सिक्योरिटी रहे और आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल या बेन ना हो। तो अब चलते हैं, हम एक मैंने यहाँ पे एक लोकेशन यहाँ पे सेट की हुई है, ठीक है, मेरा मैंने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स का, और मैंने यहाँ पे शिकागो की शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन यहाँ पे सेट की हुई है, ठीक है। तो हम जानेंगे कि किस तरह से आप हुअर डॉट नेट पे जो आपका जो एनोनिमाइजर है उसको आपको नोक किस तरह से करेंगे, साथ ही साथ आपका जो सिक्योरिटी लेवल है हुअर डॉट नेट पे उसको आप 100% 72, अगर आपका 70 या 80 या 90 है तो आप उसको 100% किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्रोम प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, न्यूली मैंने मैंने क्रिएट की है, ठीक है। जैसे मैं ये वाली क्रोम प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे चलता हूँ हुअर डॉट नेट वेबसाइट पे, हुअर डॉट नेट, ठीक है। तो हमारा इसमें प्रॉक्सी भी नो आ रहा है, यानी कि ये ओके है, एनोनिमाइजर भी ओके है, ठीक है, ब्लैकलिस्ट भी ओके है हमारा, लेकिन हमारा जो स्कोर है वो 90% है। आप यहाँ पे देख रहे हैं योर डिस्क्यूज 90% माइनर रिमार्क्स रिगार्डिंग योर एनोनिमिटी एंड सिक्योरिटी। तो आपको किस तरह से ये क्यों नहीं आ रहा है, हमारा 90% लेवल क्यों आ रहा है, 100% क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, मोर पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें ये दिखा रहा है, डू नॉट ट्रैक यू हैव अ ब्राउजर ट्रैक ब्लॉक डिसेबल्ड, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा ये चीज़ दिखा रहा है सिस्टम टाइम डिफरेंट, द टाइम सेट इन योर सिस्टम डिफर्स फ्रॉम योर आईपी एड्रेस टाइम जोन, यू आर पॉसिबली ट्राइंग टू हाइड योर करंट लोकेशन बाई एनोनिमिटी मीन्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपने जो लोकेशन सेट की हुई है, यानी कि मैंने जो वीपीएन लगाया हुआ है वो शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स का लगाया हुआ है, लेकिन जो मेरा जो टाइम जोन ये उठा रहा है वो इंडिया का दिखा रहा है, यानी कि 4:15 PM हो रहा है इंडिया में अभी का जो टाइम है, और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम जो है वो शिकागो का मैंने सेट किया हुआ है, वो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है अमेरिका शिकागो का टाइम है, ठीक है। और ये GMT -6 है, 4:44 का टाइम है, ठीक है, लेकिन ये हमारा इंडियन टाइम उठा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा अभी जो टाइम है सिस्टम टाइम है वो 4:15 का है, यानी कि 4:15 का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 4:16 हो रहे हैं, तो ये 4:16 ये इसलिए उठा रहा है, और यहाँ पे GMT भी आपको दिख रहा है, ये जो 5:30 जो टाइम है GMT वो इंडिया का है, तो इसलिए ये यहाँ पे दिखा रहा है आपका जो यहाँ पे डिस्प्यूज जो आपका 90% स्कोर है वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपकी दो चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जो हमने देखा यहाँ पे, आप जब यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दो दोनों चीज़ें दिखा रहा है, डू नॉट ट्रैक यू हैव ब्राउजर ट्रैकिंग ब्लॉक डिसेबल्ड, ठीक है, इसके बाद ये दिखा रहा है सिस्टम टाइम इज डिफरेंट। तो आपको किस तरह से इसको 100% करना है स्कोर को, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे माई टाइम जोन नाउ, ठीक है, इस तरह से हम करके एंटर करेंगे और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि ये जो हमने जो वीपीएन जो लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या टाइम है और कितना GMT है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है GMT -6, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो टाइम है वीपीएन के टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि यूएसए में जो अभी टाइम हो रहा है वो 4:47 AM का टाइम है, GMT आपको सेलेक्ट करना है -6, ठीक है। तो ये आप किस तरह से इसको 100% करेंगे, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, आप जाएंगे अपने टाइम जहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप यहाँ पे
राइट क्लिक करेंगे और एडजस्ट डेट टाइम पे क्लिक करेंगे। एडजस्ट डेट एंड टाइम पे जब क्लिक करेंगे तो आपका ये डेट एंड टाइम, यहाँ पे करंट डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टाइम जोन है वो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, यानी कि इंडिया का है, और 5:30 UTC हमारा जो टाइम है यहाँ पे सेट है। तो अभी हमको क्या करना है, हमें GMT-6 सेट करना है। सॉरी, तो हम वापस से आएंगे और यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे माइनस के 6 GMT। ओ यहाँ पे आप नीचे कर चाहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे +14, +13, +12, ये यहाँ का टाइम दिखा रहा है। ठीक है, आपको ऊपर आना है, जितना ऊपर आप आते जाएंगे इतना ये GMT, ये जो UTC है कम होता जाएगा। तो अभी आपको ऊपर और आना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जीरो जीरो UTC 0 आ चुका है। अब हमको ऊपर और आना है। तो गाइस, UTC मतलब अगर आप GMT-6 इसको कर देंगे, ठीक है, UTC से इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप ऊपर आएंगे और हमें -6 GMT सेट करना है ये टाइम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेंट्रल टाइम US एंड कनाडा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके बाद ये कह रहा है सिंक्रोनाइज योर क्लॉक, लास्ट सक्सेसफुल टाइम सिंक्रोनाइजेशन दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद सिंक नाउ पे आप क्लिक करेंगे। सिंक नाउ पे क्लिक करने के बाद अब हम वहाँ यहाँ पे हुआ .NET पे आते हैं और फिर से इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा जो ये ओके हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो अभी योर डिस्क्लोज 100% योर एनोनिमिटी मीजर्स आर सेफ और यू डोंट यूज देम। ठीक है, तो अभी हमारा 100% का ये स्कोर आ चुका है। अगर हम नीचे भी जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो मैच कर चुका है। यहाँ पे अमेरिका शिकागो का टाइम है, ठीक है, 4:49 ये टाइम है यहाँ का, और GMT-6 है। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे भी 4:49 का टाइम है और GMT-6 है। तो ये हमारा मैच कर चुका है, इसलिए हमारा जो अभी जो सारी चीज़ें हैं वो ओके हैं और हमारा जो स्कोर है वो 100% हो चुका है। तो आप इस तरह से अपना जो टाइम जोन है वो आप यहाँ पे एडजस्ट करके अपना जो सिक्योरिटी लेवल है उसको आप 100% कर सकते हैं, ताकि आपके जो एडसेंस, अगर आप एडसेंस लोडिंग का या एडसेंस ऑर्बिट्रेज का वर्क करा रहे हैं या कुछ कोई अनदर वर्क है, ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो टाइम जोन है वो यहाँ से अपने सिस्टम का जो टाइम जोन है उसको मैच कर लेना है। तो कई बार आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे ना तो ये सिंक नाउ वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको रीजन वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे रेंडमली सेलेक्ट करना है, चाहे आपको कुछ भी लोकेशन चेंज ना नहीं करनी है तो आप नहीं नहीं करें। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे इधर बाहर की तरफ और दोबारा से जाएंगे डेट एंड टाइम में, तो यहाँ पे आपको ये सिंक नाउ का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको सिंक नाउ पे क्लिक करना है ताकि जो आपका जो रिफ्रेश हो जाए ये जो टाइम जोन जो आपने लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जो सिक्योरिटी लेवल है उसको आप 100% कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ एनोनिमाइजर में भी है। अगर ये टाइम जोन हमारा कई बार दिखाता है कि ये जो हमारा जो टाइम जोन है ना, सिस्टम का टाइम जोन, इसलिए एनोनिमाइजर ये यस होता है, तो इससे ये जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाती है। आपका जो एनोनिमाइजर है वो नो हो जाएगा, यानी कि ओके हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपकी जो जो एनोनिमिटी है वो 100% ओके हो जाएगी। योर डिस्क्लोज 100% योर एनोनिमिटी मीजर्स आर सेफ और यू डोंट यूज देम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चीजें इस तरह से हम ओके कर सकते हैं। ठीक है, टाइम अपना टाइम जोन चेंज करके। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं वो टाइमली आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।